हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, AIIB की 17वीं परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। जिन अधिवक्ताओं ने AIIB की परीक्षा उत्कीर्ण कर ली है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका रिजल्ट किन्हीं कारणों वश जो है रुक गया है या फिर नहीं आया है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगले एग्जाम की तैयारी वो शुरू कर दें, ठीक है। एक सूचना है, राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है उनके लिए जिन्होंने AIIB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ठीक है। सूचना ये है, जिन अधिवक्ताओं ने AIIB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए उन्होंने ये नंबर जो है जारी किया हुआ है 1234, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या लगेगा, ठीक है, उसके बारे में कुछ जो प्रपत्र लगेंगे उसके बारे में यहाँ दिया गया है, तो उसको देखते हैं। पहला है, मूल फॉर्म के साथ एक फॉर्म लेना है आपको। फॉर्म के साथ 250 रुपये लगेंगे, ठीक है, 250 रुपये। दो फ़ोटो कोट और टाई में, ठीक है, दो फ़ोटो लगेंगे कोट और टाई में। हाई स्कूल से लेकर LLB तक सारी अंग तालिकाओं की छाया प्रति, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं हाई स्कूल से लेके LLB तक, ठीक है। और चौथा है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी जो सर्टिफिकेट जो है जारी किया गया है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा, उसकी छाया प्रति लगानी है। AIIB की पास रिजल्ट कापी, AIIB का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसका PDF आप, उसका प्रिंट निकलवा के उसकी कापी आप लगाएंगे, ठीक है। आधार कार्ड की छाया प्रति, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी रहेगी। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मूल फॉर्म के साथ 250 रुपये लगने हैं, दो फोटो कोट टाई में लगने हैं, हाई स्कूल से लेकर LLB तक की सारी अंक तालिकाओं की छाया प्रति लगनी है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रमाण पत्र जो कि आपको मिल चुका है उसकी छाया प्रति लगनी है। AIIB की पास रिजल्ट की कापी लगनी है, आधार कार्ड की छाया प्रति लगनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे करने हैं, उसके बाद जो है उसको डिक्लेरेशन फॉर्म में लगाने हैं। उसके बाद से जो है आप सभी को COP नंबर जो है प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये सूचना थी जो कि राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। ऐसे ही अन्य प्रदेशों में जो विधिक परिषद हैं उनके द्वारा जो है सूचनाएँ जारी की गई होंगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे मांगा जा रहा है ऐसे ही डॉक्यूमेंट अन्य जगहों पे भी मांगा जाता होगा। तो ये थी सूचना, आगे फिर से कुछ नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।